बड़ी खबर इस वक्त की आप सभी दर्शकों को बता दें, जो उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से आ रही, जहां सीतापुर के तंबौर थाने में एक बार फिर एक साथ 9 पुलिस कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें, लगातार तंबौर थाने के पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि कल भी थाना अध्यक्ष अमित सिंह भदौरिया सहित 11 पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और इन पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। साथ ही आपको बता दें, आज एक बार फिर हमसे बात करने के लिए फोन लाइन पर तंबौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक संजय गौड़ जी जुड़े हुए हैं। गौड़ जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आज एक साथ 9 पुलिस कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, आखिर इनका कब कोरोना टेस्ट हुआ था? देखिए, जो 25 तारीख को जो है जांच हुई थी, 53 लोगों की हमने कराई थी जी, तो उसमें दो थाने से तो उसी दिन एंटीजन किट से पॉजिटिव पाए गए थे जी, ठीक है। और बाकी लोगों की जो है, जिनकी नेगेटिव थी, उनकी जो है CDRI लखनऊ के लिए जो है भेज दी गई थी। उसमें से आज जो प्राप्त हुई है रिपोर्ट, उसमें से 7 लोग और पॉजिटिव हैं जी। तो 25 की डेट के मरीज, आज की डेट में उनका रिजल्ट प्राप्त हुआ है, तो वो लोग पॉजिटिव पाए गए, 7 लोग। गौर जी, अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से आए दिन रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है? देखिए, इसमें हुआ क्या है बेसिकली जी, कि थाने में हमारे द्वारा लगातार जांचें कराई गई। शुरू में आज से 25 दिन पहले 12 लोगों की जांच हुई जी, उसमें नेगेटिव आए लोग। लेकिन उसके बाद जब 25 में दो आए, तो उनमें से ये सिपाही सब एक ही कैंपस में रहते हैं, एक साथ कई लोग भी रहते हैं, तो एक साथ ही इनका उठना बैठना है, एक मेस में खाना खाना जी, ठीक है, उसकी कांटेक्ट हिस्ट्री की वजह से ये मरीज बढ़े हैं। गौर जी, तंबौर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अभी तक कितनी हो चुकी है? टोटल तंबौर थाने से 22 लोग आज की डेट तक, और एक हमारा काजी टोला से थे रिजवान, तो टोटल हमारे 23 लोग जो है आज की डेट में पॉजिटिव जी। इस कोरोना काल में अपना कीमती समय देकर News9 Live TV पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय गौर जी। ओके, थैंक यू। तो News9 Live TV के माध्यम से हम लगातार आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जरूरी काम पड़ने पर मास्क और गमछा से मुंह ढककर ही घर से बाहर निकलें। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए News9 Live TV को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, Facebook पेज है News9 Live TV, Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है @News9 Live TV।